हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन पकौड़े। चलिए देखते हैं कि हमें क्रिस्पी और चटपटे चिकन पकौड़े बनाने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर डालें नमक और उसके साथ थोड़ा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, फिर डालेंगे चाट मसाला, चिकन मसाला, काली मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे एक अंडा जिसको अच्छे से फेंट लो और उसके बाद उसको इसमें डाल देंगे। एग को अच्छे से बीट करने के बाद हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए ध्यान देना है कि कोई भी लंप जो है वो नहीं रह जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और फिर बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें लेमन डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन डाल सकते हैं। बेसन डालते हुए ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना। हमें पकौड़ों के ऊपर बहुत थिक लेयर नहीं चाहिए, मुझे एक थिन लेयर ही चाहिए जिससे जो चिकन के पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने अच्छे से चिकन को धो के रखा है उसको इसमें डालेंगे और उसको मैरिनेट करेंगे। अब हमारा मैरिनेशन रेडी है। मैरिनेशन में अब हम चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छे से मसाज करेंगे। इस मसाज करने से चिकन के अंदर तक मसाला चला जाएगा और अब हम इसको आधे घंटे से एक घंटा तक साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट होने के बाद हमारा जो चिकन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो हमारा चिकन है वो फ्राई होने के लिए रेडी है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। अब एक एक करके चिकन के पीसेस को ऑयल में फ्राई करेंगे। पकौड़ों को फ्राई करते हुए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है और अगर हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो चिकन के पकौड़े जो हैं वो ऑयल सोक कर लेंगे जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। हमें क्रिस्पी चिकन के पकौड़े बनाने हैं। हमें चिकन के पकौड़ों को फ्राई करते हुए बीच बीच में स्टर करते रहना है ताकि वो इक्वली कुक हो चारों तरफ से। जब पकौड़ों का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगे तो समझ लें कि हमारे चिकन के पकौड़े जो हैं वो रेडी टू सर्व हैं। अब इनका कलर जो है वो वैसा हो गया है जैसा हमें चाहिए, तो अब ये रेडी टू सर्व हैं। इसी के साथ क्रिस्पी चिकन के पकौड़े रेडी हैं। आप इनको चाट मसाला स्प्रिंकल करके और लेमन स्क्वीज करके हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।